सभी खड़े होकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। महाराज से सचिदानंद भगवान जय समर्थ ब्रह्मगीर महाराज की जय ब्रह्मगीर स्वामी की जय राजी महाराज की जय परमहंस बाबा की जय सद्गुरु गुलाबदास बाबा की जय अनंत कोटि संतों की जय पंचरि प्राण की जय रति साहब तेरी इस विध की जय रति साहब तेरी इस विध की जय I'm
नाथ की जय। मन रंगीर स्वामी की जय। सिंगाजी महाराज की जय। परमहंस बाबा की जय। सतगुरु गुलाबदास बाबा की जय। अनंत कोटि संतों की जय। परचरी पुराण की जय। स्थान देवता की जय। राम देवता की जय। मात नर्मदे धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़ा सौभाग्य का विषय है इस वैश्विक महामारी के 9-10 महीने बीत जाने के बाद ये सुखद अवसर हमारे बीच उपस्थित हुआ है। सतवास नगर के इतिहास में इतने विशाल पैमाने पर परचेरी पुराण का ये आयोजन जय नारायण कालूराम जी यादव परिवार के द्वारा हम सभी के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमारे बीच माँ नर्मदा के इस पावन क्षेत्र में परम पूज्य संत श्री मोहनदास बाबा के श्रीमुख से हम परचेरी पुराण के इस 5 दिवसीय आयोजन में आज द्वितीय दिवस प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। विशेष करके माताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं। कल बच्चों ने बहुत व्यवधान किया था, इसलिए आप उन्हें अपने पास ही बिठाएं, बीच में उठकर ना जाएं, ऐसा आप प्रयास करें। मैं आदरणीय कालूराम जी सेठ से आग्रह कर रहा हूं कि आकर परम पूज्य संत श्री मोहनदास जी बाबा साहब को माला पहनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस साइड से जाएं इधर। श्री मोतीलाल जी मुनीम, श्री मोतीलाल जी मुनीम आए मंच पर। श्री मोतीलाल जी मुनीम आए और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कमल सिंह जी टीआई साहब आए और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी जादम वकील साहब आए, मैं जिनके नाम पुकार रहा हूं, कृपया अति शीघ्र यहां पर पहुंच जाएं ताकि हम कथा को शीघ्र प्रारंभ कर सकें। श्री लक्ष्मी नारायण जी जादम वकील साहब आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम निवास जी मंडलोई सरपंच साहब डेरिया आए और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अति शीघ्र आते जाएं। श्री रमेश जी जादम डेहरिया आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नारायण जी डोट डेहरिया मंडी डायरेक्टर कन्नौद आए और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेश जी कुंडल साहब इंदौर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुंदर लाल जी राठौर आए और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अति शीघ्र आते जाएं भैया। श्री हरिओम जी माली अजनास आए और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोविंद जी मालिया मोहई आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामनारायण जी जादम डेहरिया आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लहरी बाबा सोमगांव आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नारायण जी मोला आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विष्णु प्रसाद जी यादव राला आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री किशन लाल जी मालिया मोही जागीर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संतोष जी बाबा लवरास आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। पाता बाता लवरास। श्री सुंदर लाल जी पटेल स्वगोदा आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मनोहर गुरु जी केलनपुर वाले आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री डॉक्टर विशाल जी यादव इंदौर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नरेंद्र जी मुगलिया लवरास आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अमर सिंह जी यादव, डॉक्टर अमर सिंह जी यादव साहब आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर राजेश जी यादव इंदौर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मदन यादव
बामनी वाले इंदौर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामेश्वर जी मुनि बिंजला आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामनारायण जी मंडलोई सुकरास आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अकबर जी मिस्त्री सतवास आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री करतार सिंह जी पटेल सिवरिया आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गंगा विशन जी चौहान डेहरिया आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जगदीश जी पटेल बोरखेड़ी आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ओम पटेल निमासा आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बुद्धू जी नेता जी बामनी आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ब्रजमोहन जी राठी सतवास आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोविंद जी भैरूपुरा आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मनोज नोकजा आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज शाम का इतना हो रहा है। श्री गोविंद जी पटेल सवासड़ा आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गणेश जी पटेल मगरिया आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भगवान सिंह जी मेहंदीवाला आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कणा के मास्टर साहब आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दयाराम जी कणा आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सहजाद जी पटेल सहजाद गुरुदेव का साल और श्रीफल से सम्मान करेंगे आए। आज शाम को जो भंडारे का आयोजन रखा गया है, श्री सहजाद जी पटेल हिंदू मुस्लिम एकता के तहत गुरुदेव का सम्मान करने के लिए आए हैं। आज शाम का भंडारा डॉक्टर ओम प्रकाश जी पटेल और श्री राजेश पटेल मित्र मंडल द्वारा दिया जाएगा, जिसमें श्री डॉक्टर ओम प्रकाश जी पटेल, श्री नरेंद्र सिंह गुर्जर, श्री गणेश ठाकुर सरपंच पांगरी, श्री राजेश पटेल बापचा, डॉक्टर राजेश जी पटेल सतवास, कपिल जी पटेल निमलाय, रितेश गुर्जर भैरूपुरा, मुकेश सेवर जाट बड़कन, डॉक्टर राजेश गुर्जर बालिया, रामदीन पटेल चीचली, चंदू पटेल बिचकुआ, नरेंद्र मालिया मोहाई, बांकेश गुर्जर, बंकेश गुर्जर बड़दा, महेश पटेल सेगवा, मिथुन सुतारी मोहाई, पदम जी गुर्जर नगरपालिका सतवास, अनिल गुर्जर कुमकुम मेडिकल, राजा जी गुर्जर सतवास, डॉक्टर प्रीतम जी यादव, डॉक्टर राम गुर्जर, नरेंद्र जी गुर्जर जामनेर, योगेंद्र पटेल सेमली, आशीष जी गुर्जर मेडिकल, बंटी गुर्जर बड़कन, जीतू गुर्जर भैरूपुरा, आनंद गुर्जर पुनर्वास, गोविंद जी यादव पेट्रोल पंप, इनके सहयोग से आज शाम को भंडारे का आयोजन रखा गया है। सभी जो भी धर्म प्रेमी श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे आग्रह है कि शाम को भोजन प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। आज का भोजन डॉक्टर ओम पटेल जनपद अध्यक्ष मित्र एवं श्री राजेश पटेल गुर्जर समाज अध्यक्ष के संयुक्त सौजन्य से यहाँ पर दिया जा रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं जयनारायण जी यादव से आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे संगीत में साथ देने वाले समस्त साथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें। आओ नटवर सिंह जी पुजारी साहब का और गोविंद जी बाबा साहब का पुष्पमाला से स्वागत करें। अब मैं जयनारायण जी यादव से आग्रह कर रहा हूं कि वो परम पूज्य संत श्री मोहनदास जी बाबा साहब को पुष्पमाला पहनाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। Yeah.
श्री जितेंद्र जी पीथमपुर से पधारे हैं हमारे बीच अभी अभी, उनसे निवेदन है कि वो संत श्री मोहनदास बाबा का पुष्पमाला से स्वागत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत की इस बेला को यहीं पर विराम देते हुए मैं जयनारायण जी यादव से आग्रह कर रहा हूं कि संत श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें और आज का यह आयोजन शुरू हो रहा है। आपसे आग्रह है अपना स्थान ग्रहण कर लें। माताओं से विशेष आग्रह है कि कोई भी बच्चे व्यवधान ना करें। श्री जयनारायण यादव कार्यक्रम के आयोजक परम पूज्य संत श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। परचरी पुराण परम पूज्य संत श्री सिंगाजी महाराज की परचरी पुराण का ये विशाल भव्य आयोजन जयनारायण कालूराम जी यादव के सौजन्य से हमारे सतवास नगर में इतने विशाल पैमाने पर किया जा रहा है। आग्रह है कृपया शांतिपूर्वक कथा श्रवण करें। जय श्री राधे। वनस्पति
स्थान ग्राम सिर पर सिंगा जब राम 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 मैं सदा करत रहूं Daddy.
सतगुरु प्रताप कथा जो कहूं चरण शरण में तुमरे रहूं सिंगा जी नाम जात का गौली बजावे पावा मोर बासुरी रहे उदमत करे चाकरी और नहीं जाने बात दूसरी ऐसे करते बहुत दिन गया हर सुध नगरी में निश्चय गया गौ बछेरी मैं की अपारा तात मात कुटुम परिवारा रात दिवस रहे इन्हों की संगा मरमनी जाने भक्ति को अंगा
एक समय गिन्नात के घर पगरन होई, ताको निव तो पहुँचो जाई, निवता के संग चल कर आए, सांझ समय पहुँचे थाए, उतते आए मन रंग देवा, हरि गुण गावे निर्गुण बेवा, ता समय सुरत समानी काना, सिंगा जी के मन उपजो ज्ञाना, पावा मोहर हम बहुत बजाया, गाई मथुवाड़ भोपा घुमाया, जोगी जती हम बहुत से आ, पर ऐसा गुण तो कोई नहीं कया, जन्म हमारो ऐला गयो, हरि भक्ति को मर्मनी दियो, सिंगा जी बाबा अपने डाक का काम करते हुए ग्राम भेसावा पहुंचे। वहां मनरंगीर बाबा सारे जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। और सिंगाजी बाबा उस भजन को श्रवण कर रहे थे। मनरंगीर बाबा भजन गा रहे थे, अपने मन को संकेत करते हुए, मन को एक आधार बनाकर और मन को समझाइश दे रहे थे, मन को एक दिशा निर्देश करते थे, मन को उसके स्वरूप का भान करवा रहे थे कि मन नाम की चीज क्या है, और मन ही के कारण हम उस ब्रह्म से भिन्न हो चुके हैं। इसलिए दल्लूदास जी महाराज अपनी वाणी के अंदर उस भजन का कथन करते हैं और वो भजन मनरंगीर बाबा सुना रहे हैं और सिंगाजी बाबा मन वचन कर्म से एकाग्र चित्त से उस भजन को पूरा पी रहे हैं। समझी ले रे मना भाई, अंतन होए कोई अपना, समझी ले रे मना भाई, तो आप निरंजन निर्गुणा, वाह भाई वाह, सिर गुण तट ठाड़ा, आप निरंजन निर्गुणा, अरे 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 सिर गुण तट ठाड़ा, यही रे माया का बंद में, अरे सिर गुण तट ठाड़ा, यही रे माया का बंद में, अरे सिर गुण तट ठाड़ा, यही रे माया का बंद में, अरे सिर
कृष्ण पारणा वसागर का हो तीरा कृष्ण पारणा वो चर वसागर का हो तीरा हरे कृष्ण पारणा उतरना भवसागर का हो तीरा हरे कृष्ण पारणा वो चर भवसागर का हो तीरा हरे कृष्ण पारणा भूलना
जय गो दीवाना माया का भ्रम न भूलना हरि भग जय गो दीवाना ब्रह्मा के रचाता भया हरि भग जय गो दीवाना ब्रह्मा के रचाता भया हरि जय गो दीवाना ब्रह्मा के रचाता भया हरि भग जय गो दीवाना ब्रह्मा के रचाता भया बात बोलूं कभी आपको जमे तो बोल दो मैं स्वागत आगे करो या पीछे करो या तो शुरू में कर दो या फिर आखिरी में कथा का ताट टूटता है। बड़ा अमूल्य समय लेकर लोग बैठे हैं कथा में, अपना अपना ग्रह जंजाल का सारा काम काज छोड़कर यहां कथा में बैठे हैं। तो गलत बोल रहा हूं, समर्थन है तुम्हारी बात का, तो शुरू में कर लो या फिर आखिरी में कर लो, ध्यान भटक जाता है। भूमिका बनाने में बड़ा समय लगता है और भूमिका के तल से जब कथा नीचे आ जाती है तो वहां पहुंचने में बड़ा टाइम लगता है। और ये तो सब होते ही जाते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, पर ये बड़ा अमूल्य समय, ये कभी हाथ से निकल गया सत्संग का समय, ये समय बार बार आता है क्या? इस भजन को सिंगाजी बाबा पी रहे हैं, काय से पी रहे हैं, कान से। जैसे परीक्षित को भागवत पिलाई थी सुखदेव ने, भागवत अमृत है और उस भागवत रूपी अमृत ने परीक्षित की मृत्यु की भ्रांति का निवारण किया था। मृत्यु क्या है, मैं क्या हूं, शरीर क्या है, इस बात से हम लोग अपरिचित हैं। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। शरीर जन्मता है, शरीर का बचपना होता है, शरीर की जवानी होती है, शरीर का बुढ़ापा होता है और शरीर की मृत्यु। अच्छा, तुम्हारा बचपन था कि नहीं? एक रोज बचपना था या नहीं? तुम्हारे बचपन को तुमने देखा कि नहीं देखा? देखा है ना, बचपन मर गया,
बचपन मर गया, तुम देखने वाले, बचपन मर गया पर बचपन को देखने वाला है कि नहीं है। जवानी मर गई पर जवानी को देखने वाला है, बुढ़ापा मर गया मर रहा है उसको देखने वाला। अच्छा, इतने गैप में हानि हुई, लाभ हुआ, यश हुआ, अपयश हुआ, जय हुई, पराजय हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, मान हुआ, अपमान हुआ, धनी बना, गरीबी आई, नाना प्रकार का बमंडर हुआ इस गैप में जन्म और मृत्यु तक। सब बदल गया पर देखने वाला बदल कि सारी स्थिति बदल गई और देखने वाला जस तो ये शरीर एक दृश्य है, आत्मा तामी यही तो गाया कृष्ण ने, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। या शरीर एक क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, आत्मा सबका दृष्टा है, आत्मा अनादि है, आत्मा अंत है। यही बात को सिंगा बाबा को मनगिर बाबा दोहरा रहे, कुछ अलग नहीं बोला, कुछ हकर सिंगा जी बाबा ने नहीं बोला। उस वेदांत के ज्ञान को, उस गीता के ज्ञान को, उस भगवत के ज्ञान को, सारे पुराणों को सिंगा जी बाबा ने अपनी भाषा में, क्योंकि आज से 5 वर्ष पहले शिक्षा का बड़ा अभाव था, सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, गांव में निवास करते थे, उनको वेदों की भाषा पल्ले नहीं पड़ती थी। तो उस वेदांत के ज्ञान को, पुराणों के ज्ञान को, उस देव भाषा संस्कृत को सिंगाजी बाबा ने अपनी साधारण भाषा में, निमाड़ी भाषा में, गांव की भाषा में हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो यहां मन को खड़ा करके और मन को संबोधित कर रहे हैं, समझी ल मना भाई, अंत ना होए कोई अपना। अब ये भजन किसका है? कौन की कथा कर रहे हैं? सिंगाजी की कथा करने से अपने को क्या लाभ होएगा? गीता कभी कृष्ण और अर्जुन का ही विषय होता तो गीता हमको पढ़ने से लाभ मिलता, भागवत सुखदेव और परीक्षित का ही विषय होता तो आज भागवत सुनाने से क्या लाभ था? हमारी भी कथा है क्या? ये बात हमारी है, वो तो एक माध्यम बने, लेकिन ये हर प्राणी की कथा, हर आत्मा की कथा है, इसलिए आज तक वो घर घर रखी जाती है, सुनाई जाती है और सुनी जाती है कि जिससे हमारे मन की भ्रांति का निवारण हो। मन के कारण ही हम दो भागों में बढ़ गए, मैं और तू। जबकि सब क्या है? ईश्वर अंश, प्रभु बोलो, ईश्वर अंश जीव, तो कोई कोई है ईश्वर अंश, विशेष विशेष में ईश्वर का अंश है कि सब में? हरि व्यापक सर्वस्तु समान, ऐसा तो नहीं कि थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में हरि व्यापक है और फिर गैप दे दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समान, चीटी से लगाकर हाथी तक, जड़ से चैतन्य तक उसकी सत्ता है। तो हम सब ईश्वर के अंश है और उसी भ्रांति का निवारण कर रहे हैं, उस भ्रम को मिटा रहे हैं। मन ने जो अपने आप को स्वीकार कर लिया, अब हम एक व्यक्ति बनकर खड़े हो गए, जाति बना ली, बनी कि नहीं? पक्का हो गया
जबकि ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, उसने तो दो आदमी बनाए हैं लीला करने के लिए, एक नारी और एक पुरुष, जिससे इस सृष्टि का खेल चले। जैसे फिल्म में वो फिल्म बनाते हो, क्या लोग क्या बोलते हैं उनको, फिल्म बनाने वालों क्या बोलते हैं है? अरे हीरो हीरोइन तो अभिनय करते हैं, निर्माता 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 जो फिल्म बनाता है तो वो अभिनेताओं को अभिनय करने के लिए पार्ट देते हैं कि तुम चोर का, तुम फलाने का, तुम सेठ का, तुम नेता का, तुम आतंकवादी का, तुम फलाने का, ऐसा अभिनय सबको बांट दिया जाता है। अभिनय करते हैं, अभिनय ऐसा करते हैं कि दर्शकों का मन मोह लेते हैं, रोते भी हैं, सचमुच में रो रहे हैं। अभिनेता लोग रोते हैं कि नहीं रोते हैं, हंसते हैं, प्रेम करते हैं, धोखा करते हैं, लड़ाई करते हैं, सारी क्रियाएं जो इस संसार में हो रही वो वहां हो रही है, पर वो इतना सब कुछ करते हुए भी अपने को बचा कर रखते हैं। अभिनेता होश में है, ऐसा नहीं कि किसी को चोर का पार्ट दे दिया तो वो चोर ही बन गया, उसको पुलिस पकड़ती है, पकड़ती है क्या? वहां मर्डर भी होते हैं, छुरे चाकू भी चलते हैं, पर पर्दे पर कहीं खून के धब्बे मिलते हैं, मिलते हैं क्या? नहीं। ऐसा हम सब लोग सब अभिनय कर रहे हैं, ये दुनिया एक रंगमंच है, वो निर्माता है जिसने इस जगत का निर्माण किया, वो निर्माता है, हम सब अभिनय कर रहे हैं, पर अभिनय करने में हम धरा गए, हम जिसका अभिनय कर रहे हैं वो पक्का हो गया, पक्का। राम का पाठ बजाने वाला मंच से उतरने के बाद भी राम ही हो गया। रामलीला देखी कि नहीं? राम और रावण का युद्ध होता था मंच पे, पर मंच से उतरने के बाद एक दूसरे पे दुश्मनी रखते थे, रखते थे? हम तो खाली नाटक कर रहे थे, राम के ऊपर अभिनय कर रहे थे, रावण के ऊपर अभिनय कर रहे थे। मैं हकीकत रावण नहीं हूं, रावण का पाठ बजा रहा हूं, मैं हकीकत राम नहीं हूं, राम का पाठ बजा रहा हूं, तो हमें और क्या है? ये भी चक्कर वही है, हम किसी के पिता और पुत्र नहीं है, ये मोह है, ये अज्ञान है। सिंगाजी बाबा कहते हैं, मोह की भगनी मोह का भाई, ये परदेशी जीव कहां की सगाई। ये तो हमारे कर्मों के कारण ये सब हमारे संपर्क में आ गए, बेटा हमारा कर्म, पत्नी हमारी कर्म, भाई हमारा कर्म, पिता हमारा कर्म, रिश्तेदार हमारे कर्म, पड़ोसी हमारे कर्म, ये अपने पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे सब कुटुंबी जन और हितेशी बन बनकर आ गए। कर्म प्रधान, ये संसार की रचना काय के आधार पर होती है? कर्म के आधार। तुम्हारा कर्म अगर कट जाए तो बंधन छूट जाए, कर्म कटे बंधन छूटे, कर्म के कारण ही जन्म और मृत्यु के चक्कर में जीव फंसते रहता है। इसलिए यह सिंगाजी बाबा का जो ज्ञान है ये निर्वाण के तरफ ले जा रहा है, आने के चक्कर में नहीं, खेल खत्म। अभी हम मरना जानते नहीं कि मरना किसको बोलते, हम तो इस शरीर को न रहने के कारण उसकी मृत्यु समझते हैं,
लेकिन यह मृत्यु नहीं है, यह तो शरीर बदलना है। आज के पहने हुए कपड़े कल नहाएंगे तो निकाल कर रख देंगे, नहाएंगे जब पूरे कपड़े निकालेंगे तो इतनी देर में नहाते समय मर जाएंगे अपन। बस आत्मा यही करती है, पुराना कपड़ा उतारती है और नया धारण करती है। ये कपड़े से कवच से ज्यादा आत्मा का कवच है ये शरीर, ये पैकिंग है आत्मा का। ये मृत्यु होती है उसके लिए हम रोते हैं। पर सिंगा जी बाबा कहते हैं कि मरना मरना सब कहे, मरना नहीं जाने कोई, ऐसा मरना मरो तो फिर बहोर जन्म ना हो। जय हो जय। ऐसे मरो, एक बार मर जाओ कि झंझट खत्म। क्या बार बार गर्भवास, पुनरपि जन्म पुनरपि मरना, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। तो मनरंगीर बाबा हमारे मन को अपने रूप में ले जा रहे हैं। उसने अपना जो समाज खड़ा किया है, जो नकली मय को मय स्वीकार किया है, तो वो अपने असली मय में ले जा रहे हैं। समझी ल मना भाई, अंत ना हो कोई अपना। बात दोनों सिद्ध होती है। जिनसे हमने संबंध जोड़ा है, जिन वस्तु पदार्थों को, नाते रिश्तों को, पद प्रतिष्ठाओं को जो हमने अपनी स्वीकार की है, जिनसे हमने संबंध जोड़ रखा है, वो अंत में हमारे तुम्हारे पीछे मर जाए सब। जवान मौत घर में होती है, उस दिन ऐसा लगता है कि ये दुख तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, छाती पीट पीट कर मर जाते हैं। पर मरने वाले के बदले में कोई मरा है? ओ, ऐसा उस दिन लगता है कि यह दुख तो कभी समाप्त ही नहीं होगा, पहाड़ टूट गया। पर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, खत्म। उस दुख को सब भूल जाते हैं। तो अंत में हमारा कुछ भी नहीं है और हमारा अंत भी नहीं है। अंत में ये जगत हमारा नहीं है, जिस नकली से हमने संबंध जोड़ा है वो हमारा नहीं है और हमारा अंत भी तुम का नहीं है। सूर्य का प्रकाश किस जगह पर नहीं है? अच्छा, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से अलग कर सकते हो? रख लो, रात को लाइट जाएगी तो एक डब्बे में सूर्य के इतने से प्रकाश को सूर्य से निकाल कर अलग करके रखो, रख सकते हो? सूर्य से सूर्य का प्रकाश अलग हो सकता है? फूल से खुशबू अलग हो सकती है? दूध से घी अलग रह सकता है? तिल्ली से तेल अलग रह सकता है? बोलो, रह सकता है? इसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से भिन्न नहीं रह सकती। आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए सिंगाजी बाबा कह रहे हैं कि आप निरंजन। ये कौन की बात है? ये सिंगाजी की नहीं है, ये हमारी बात है, हमारे लिए कहा है। वो तो आदि ब्रह्मकांश लेकर आए हैं, पर समाज को संबोधित करने के लिए भटके हुए जीव को वापस अपने घर ले जाने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम क्या हो? आप निरंजन। अब बात ये हो गई कि हम तो एक व्यक्ति बन गए, तो इस व्यक्ति पने से हटा रहे हैं और हमारे मूल में ले जा रहे हैं। जैसे पत्ता, पेड़ का पत्ता, पत्ते ने अपना समाज अलग खड़ा कर लिया, उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव सब अलग अलग हो गया। पत्ते को क्या कहेंगे? पत्ता ही कहेंगे। फूल को फूल कहेंगे,
फल को फल कहेंगे, डाली को डाली कहेंगे, तने को तना कहेंगे, मूल को मूल कहेंगे। ऐसे ही अलग पुरुष एक पेड़ है, निरंजन डाला ब्रह्मा विष्णु शाखा भय और पत्ता जग। अब पत्ते को अकल आ जाए, पेड़ के पत्ते को अलग अकल आ जाए, पत्ते को जीवन दान कहां से मिल रहा है? पत्ता जिंदा किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? पेड़ के ऊपर। पर पत्ते की अकल खत्म हो गई। पत्ते ने एक शरत बना ली, मेर डाल ली कि मेरा समाज अलग है, लेकिन पत्ता जुड़ा कहां से है? डाली से। डाली मूल से और मूल जड़ से। अगर पत्ता अगर वापस मुड़ जाए, वो बाहर देखता है, वो जिधर से जुड़ा हुआ है देठी तरफ, उधर कभी वापस घूम जाए तो उसको अकल आ जाए कि मैं पत्ता नहीं हूं, मैं तो पूरा पेड़ हूं। पर पत्ता बाहर देखता है, इसीलिए सिंगाजी बाबा ने कहा कि मन को चौं दिशा छोड़ दे साहेब ढूंढ लावे, पार ढूंढे तो हरि ना मिले घट में लव लावे। जय हो। हम बाहर खोजते हैं और जब भीतर मिल जाएगा तो फिर बाहर। जिसने भीतर पा लिया उसको बाहर भी वही नजर आता है। इसी प्रकार हम एक व्यक्ति बन गए तो वो व्यक्ति पने का भ्रांति का निवारण करना कि तू व्यक्ति नहीं है, तू क्या है? आप निरंजन। या निरंजन शब्द का प्रयोग किया है, निरंजन यानी जिसका कोई आकार नहीं हो। हवा है कि नहीं? वायु है कि नहीं? वायु अगर न हो तो हम एक लोक विश्वास नहीं ले सकते। वायु अनुभव रहा है, उसका क्रंदन हो रहा है वायु का, परंतु वायु दिख रही है? दिखे क्या? जबकि वायु हमारा जीवन है। ऑक्सीजन न मिले, श्वास नहीं मिले तो हम जिंदे नहीं रह सकते। इसी प्रकार आत्मा क्या है? निरंजन, निर्गुण। आत्मा निरंजन है, निर्गुण है और अविनाशी है। पर संग दोष भूमि परत भा डाबर पानी जिमी जीव माया लिपटानी। जय। आकाश से जब पानी की बूंद गिरती है तो मैलापन होता है। वो बूंद गंदी कब होती है? कब होती है? जब धरती का संग करती। वो तो शुद्ध स्वरूप निर्मल थी, पर धरती का जब संग किया और डाबरों में जब वो रुकी, तलाइयों में जब रुकी, भूमि परत भा डाबर पानी, बहकर आगे नहीं गया। नदी नर्मदा गंगा यमुना में बहकर चला जाता तो पुनः अपने घर को प्राप्त कर लेती बिंदु, वापस समुद्र में पहुंच जाती। समुद्र ही आई थी। पर बात क्या हुई? बस रुका, रुक गई तो सड़ गई, गंदगी हो गई। इसी प्रकार हम भी रुक गए, ने भी एक दायरा बना लिया डाबरे में। हाँ, वो फला जाति का है, वो फला जाति का है। कोई जाति के नाम से गाली 100 किलोमीटर दूर से दे दे तो यहां लग जाती है।
कितनी पक्की हो गई, कितनी पक्की जाति हो गई। और संत महात्मा उरु बुरु समझाए तो नहीं लगे, आमने सामने समझाते हैं तो नहीं लगती, क्योंकि वह हमारे अंतःकरण में पक्की हो गई कि मैं तो फला जाति का हुई, मैं फला का बेटा हुई। अरे कई जन्म में बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया, बड़ी लंबी यात्रा है ये, जीव अनंत कालों से बड़ी लंबी यात्रा, 1 करोड़ कल्प, 84 लाख योनियों की आयु 1 करोड़ कल्प की यहां की गई। चला कितने परिवार, कितने माता पिता, कितना कुटुंब बनाते, कितना घर बनाते और छोड़ते चले आ रहे हैं अनंत काल से। अच्छा ये आप बनाया, इनको नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो होश में आओ, वो नहीं छुड़ाए उसके पहले तैयार हो जाओ। 5वें दिन अगर हम अपना बिस्तर नहीं बांधेंगे, मंच पर बैठे ही रहेंगे, कब्जा कर लिया मंच के ऊपर कि नहीं हमको जाने ही नहीं, अपन सब लोग पीछे ही नहीं छोड़े इनका, तो स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे, ये दुनिया पे अपन ने कब्जा करके बैठ गए, ये तो हमारा ही है। मौत आएगी कि नहीं आएगी? मृत्यु अटल सत्य है कि नहीं? आएगी मौत, बोलो ना यार, आएगी ना? फिर तैयारी, अपन तो जीने की तैयारी कर रहे हैं सब। मकान किस लिए बनाते हैं? जीने के लिए। कपड़ा? जीने के लिए। भोजन? जीने के लिए। गाड़ी? जीने के लिए। सब साधन जीने के लिए। मरने के लिए क्या कर रहे हो? मरने की कोई व्यवस्था? अरे जीने की व्यवस्था तो उसकी जवाबदारी है, जन्म से मरण तक का जो मामला है वो तो पहले तैयार हो गया पंडित जी, पहले प्रारब्ध बना पीछे बना। हाँ पहले तो अपनी यात्रा, मानसिक यात्रा हम पहले ही कर लेते हैं, अपन कई यात्रा जाते हैं कि नहीं, तो पाम्पलेट छपवाता है बस में ले जाने वाला, हरिद्वार ले जाएंगे, द्वारका ले जाएंगे, तो वहां ले जाएंगे, तो कुल्लू मनाली ले जाएंगे, तो अमका ले जाएंगे, ढमका ले जाएंगे, और जब तक घूम कर यात्रा यहाँ समाप्त हो जाएगी, फिर अपन सीट क्या करते हैं? बुकिंग करते हैं। तो अपने आने से पहले हमारा जो कर्म था, हमारा जो प्रारब्ध था, उसने पहले ही हमारी सब क्रियाएं बना दी, कितने दिन रहना है, किसका पिता बनना है, किसका पुत्र बनना है, किस समाज में जन्म देना है, किस स्थान पर जन्म देना है, किस समय जन्म लेगा, किस समय मृत्यु होगी, ये सारा प्रारब्ध पहले ही तैयार होता है, फिर जीव इस शरीर में आता है। तो जीने की झंझट छोड़ दो, वो तो सब उसकी जवाबदारी है, तुम तो मरने का इलाज करो। हाँ वो तो सब उसका खेल है, वो करेगा सब। तुम मां के पेट में 9 महीने तक थे, जब वहां भोजन किसने पहुंचाया, किसने दिया? वहां कोई टोटी थी, कोई बाटल थी, वहां किसने पहुंचाया? तुम्हारी परवरिश कौन कर रहा है? तुम भोजन को खाते हो उसको कौन पचा रहा है? तुमको कौन सुला रहा है? कौन जगा रहा है? रक्त में रक्त को संचार कर रहा है,
त्वचा में त्वचा को संतार कर रहा है, मल को अलग फेंक रहा है, ये सारी गतिविधि कौन कर रहा है? ये फूलों में पंखुड़ी कौन काटता है? कोई है पेड़ के पास कैंची लेकर जो इनमें डिजाइन डाल रहा है? इनमें रंग कौन भर रहा है? फलों के अंदर मिठास कौन डाल रहा है? तुम डालते हो। ये गेहूं बोए तो 40 दाने तुम बैठाओगे, तुम फिट करोगे क्या? कौन कर रहा है? अरे तुम तो मेहनत करते हो, सर्टिफाइड बीज कंपनी का खरीद कर लाते हो, बोते हो, अच्छा खाद, अच्छी दवाई, अच्छी मेहनत करते हो, फिर भी सोयाबीन कई बार 0%। तुम कहते हो कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो तुम, तुम्हारे करते हुए तो कई बार राख लग जाती है कि नहीं? तो फिर करने वाला कौन है? अरे तुम तो एक निमित हो। अगर वो सूर्य प्रकाश न दे तो क्या करोगे? चंद्रमा उष्णता न दे तो क्या करोगे? ये तो पृथ्वी का ईमान है कि वो एक दाने के सहस्त्र दाने करके तुमको वापस लौटाती है। उसका ईमान बिगड़ जाए तो तुम्हारे दाने को उगने ही नहीं दे। पर एक बोरे के 20 बोरे देती है कि नहीं? अब एक बोरा का 20 बोरा दे है तो लेगो भी असोई। हाँ, एक बार किसी के साथ धोखा दिया तो सैकड़ों बार तुम्हारे साथ भी होगा। एक बार किसी को तुमने ठगा तो कई बार तुम भी ठगाओगे। जब वो एक के अनेक करके देता है तो एक के अनेक करके लौटाएगा भी। इसलिए जाने अनजाने में ऐसा कोई कर्म मत करो जो हमारे लिए भोग का कारण बने। किसी को ठगते हो ना, तुम ही ठगा रहे हो, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आज ठग लो, कल समय तुम्हारा भी आने वाला है। हम सब एक है। सिंगाजी बाबा हमको एकता की तरफ ले जा रहे हैं। सारे मजहब की भ्रांति इनका निवारण कर रहे हैं। जो मजहब मत जाति प्रदाय हमने जो खड़े किए हैं उन सब से ऊपर उठा रहे कि तू आत्मराम होकर जी। जिस दिन तू आत्मराम होकर जीना शुरू कर देगा उस दिन संसार का कोई दुख तुझे प्रभावित नहीं कर सकता। अपने मूल में ले जा रहे हैं। आप निरंजन निर्गुणा, गड़बड़ कहां हो गया? सिरगुण तट ठड़ा। ये शरीर जो है ये सगुण है। आत्मा ने जब इसमें प्रवेश किया तो वो अपना अपने आत्मापने को भूल गया और एक शरीर बनकर खड़ा हो गया। अब शरीर बनकर जब खड़ा होगा तो तू मैं ये वह जाति मत संप्रदाय सब खड़े हो गए। कुम्हार एक ही मिट्टी से हिरन भी बनाता है, हाथी भी बनाता है, ऊंट भी बनाता है, गधा भी बनाता है, घोड़ा भी बनाता है, शेर भी बनाता है, चीता भी बनाता है, एक ही मिट्टी से। पर एक ही मिट्टी को अनेक रूप पहना दिए। एक ही मिट्टी से अनेक रूप पैदा दिए। ऊंट भी मिट्टी का, हाथी भी मिट्टी का, हिरन भी मिट्टी का, सुअर भी मिट्टी का, सब मिट्टी। अब मिट्टी की अकल खो गई, मिट्टी ने अपने आप को हाथी मान लिया, मिट्टी ने अपने आप को गधा मान लिया, मिट्टी ने अपने आप को घोड़ा मान लिया। तो 5 तत्व 3 गुण लगाया मन और तृष्णा से जीव कहलाया।
नहीं तो है तो ब्रह्म। ब्रह्म जीव भाव। आप गाजी जीव भाव ब्रह्म भाव में वापस जाएगा कि तू शरीर के तल ऊपर उठ और अपने मूल में पहचाने का प्रयास कर। मम दर्शन जीव पाय निज सहज खुद के दर्शन। राम और कृष्ण के दर्शन करने की बात नहीं है, मम दर्शन यही फल परम उत्तम है। तब ही जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त होगा। तो सिरगुण तट ठाड़ा और ये माया के फंद में नर आन भूल हो गई। अब भूल हो गई तो घर का रास्ता भटक गया। इसी जगत को सत्य मान लिया, इस समाज को सत्य मान लिया, यहां के नाते रिश्ते पद प्रतिष्ठाओं को ही सत्य मान लिया, भूल गया। आया था तो किसी और काम से, पर करने कुछ और लग गया, नासमझी आ गई। तो मन के अंदर जो नासमझी घुसी है उस नासमझी को मन रंगीर बाबा निकाल। मैं एक जगत में आकर फंस गया और तूने अपने आप को एक शरीर मान लिया। ये बड़ा भाव सागर है, इसकी बड़ी अनंत गहराइयां हैं। कई डूब गए इसमें, वो समुद्र से तो प्लेन से जहाज से। आजकल विज्ञान ने नाना टेक्नोलॉजी करके बहुत साधन इस पार जाने के बनाए हैं, लेकिन ऐसा कोई विज्ञान और साइंटिस्ट नहीं हुआ जिस सागर से पार जाने की मशीन और कोई तैयार है। आज कौन सी है सागर का नाम? तीस पतन गाइया है, ज्वार है, बहुत चक्रवात और सुनामी जैसी है इस सागर में होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा चिंता दुविधा राग द्वेष कलह कल्पना नाना प्रकार का ज्वार भाटा और चक्रवात इस भाव सागर पे बन रहे हैं। कैसे पार जाओगे? ऐसा कोई अनुभवी केवट मिल जाए जो हमारी नौका को इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा। केवट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, बैठूं कि नहीं बैठूं, बैठूं कि नहीं बैठूं, ऐसे करने में तो रह जाओगे पतवार। बद्रीनारायण यात्रा जाते हैं, परिक्रमा वासी जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, तो 60-70 किलोमीटर समुद्र है, किनारा दिखता ही नहीं। जब वो नाव में बैठते हैं तो प्राण ब्रह्मांड में चढ़ जाता है। तो भरोसे पे बैठते हैं ना, वो केवट के भरोसे के ऊपर, और वो बस ड्राइवर के भरोसे के ऊपर बद्रीनारायण केदारनाथ तक लोग जाते हैं। बड़ी दुर्गम रास्ता है, ऐसे ही कोई सोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु अगर हमको मिल जाए और उसके हाथ में अगर ये शरीर रूपी नौका उसके हाथ में दे दें तो ये भाव सागर से पार। जय हो जय। तो नाव तो बनी पर केवट अटकी जाएगो नादाना। नादान कहते हैं ना समझी को, जिसमें कोई समझ न हो। ब्रह्मगीर मनरंगीर बाबा कहते कि तुम नादानी मत करे, सावधान हो जा। अब जाग जाए इस मोह की निशा से, अब सोने का समय नहीं है। 84 लाख योनियों में से तू 1 करोड़ कल्प से सोया हुआ है, अब जाग, जागने का समय है। यह अवसर फिर हाथ से निकल जाएगा। काया बहुत कठिन गढ़ है। आज जो मानव तन को हम लेकर बैठे हैं ना, ये बहुत ही दुर्लभ शरीर है। ये नर से नारायण बनने का साधन है,
ये हमारे घर जाने का साधन है। सिंगाजी बाबा ने इसको नौका कहा है और तुलसीदास जी ने क्या कहा? साधन, साधन धाम और मोक्ष को दरवाजो है। यो ये मोक्ष का दरवाजा है, इस दरवाजे को कभी चूक गए बहुत लंबी यात्रा। निकलो, होशियारी करो, मौत आकर खड़ी हुई है, शाम होने वाली है। सबको याद करते हो दिन भर में, मौत को कभी याद करते हो? कोई नहीं करता। बेहोश, अभी तो फलाना भैया मर गया, वो ढिकाना भैया मर गया, रे बेचारा मर गया, और तू अपनी मौत की तो याद कर, तू कितना मर गया। अरे पंडाल में तो ज्यादातर आधे मुर्दे लोग बैठे हुए हैं, आधे आधे सब मर गए हैं। वो आखिरी अंतिम मरने को मरना थोड़ी कहते हैं। अरे चने में जब पत्ते खिरने लगते हैं, पीले पड़ने लग जाते, तो वो नहीं, अकल नहीं आती तुम्हारे को कि चने आ गए, तैयारी करो। गेहूं में पीला पाक फिर गया है, तैयारी करो। और ये पूरे सफेद हो गए फिर भी तैयारी नहीं, फसल काटने की तैयारी करते हो, वो अकल है। और जीवन, जीवन कहां जा रहा है? जीवन को भी तो मृत्यु संकेत कर रही है कि सावधान हो जा, मैं आ रही हूं, होशियार हो जा, अपना सामान तैयार कर ले, सावधान हो जा। इसीलिए तो काले बालों को सफेद किया जाता है, प्रकृति इसीलिए करती है हमको अकल देने के लिए कि काले बाल के सफेद हो जाए जब चेत जा, दांत टूट जाए जब समझ जा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाए जब समझ जा, आंखों पर मोतिया बिंद आ जाए जब समझ जा, सुंदर शरीर बंदर जैसा दिखने लग जाए तब तो समझ जा। बेहोश फिर भी सुंदरता का प्रदर्शन हाँ करता है। काले सफेद बाल को क्या करते हैं? काले और आजकल तो नाना प्रकार के बोरो प्लस पाउडर न मालूम क्या क्या है सुंदर बनने के लिए, फिर भी सुंदरता बचा पाओगे? बुढ़ापे को ढके क्या रोक दोगे बुढ़ापे? किसी ने रोका है बुढ़ापे को आज तक? कोई माई का लाल बुढ़ापे को नहीं रोक सकता, ये तो प्रकृति की योजना है, प्रकृति सब कर रही है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। हानि किसी को स्वीकार है? पसंद है हानि? सब लाभान्वित बने रहना। चुनाव हारना कोई चाहता है? चुनाव लड़े जब यह उम्मीद से चुनाव लड़े कि मैं चुनाव हारूंगा। हर उम्मीदवार जीतने की उम्मीद से, पर तुम्हारे हाथ में है। सब अपनी कुर्सी को संभाले हुए है कि इसमें कहीं गिरावट ना आ जाए, फिर भी तुम्हारे हाथ में है। अपमान तुम्हारे हाथ में है, बीमारी कोई नहीं आए तुम्हारे हाथ में है, मौत आएगी कोई बचाने वाला है नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में एक चीज है बस, क्या है बता सकते हो? केवल तेरे हाथ में एक चीज, बाकी सब प्रकृति के हाथ में। तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ जानते हो, तुमने कई महात्मा घीस दिए, मालूम है हमारे हाथ में केवल भजन है, भजन के अलावा और हम कुछ। तो जो हमारे हाथ में है वो हम करना नहीं चाहते, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं।
तो मनरंगीर बाबा सिंगाजी बाबा को अपने मूल में ले जा रहे हैं। भाव सागर का तेरे ये सागर का अंत नहीं है, वो सागर का अंत है, पर संसार सागर भाव सागर का कोई अंत नहीं है। कई धराशायी हो गए, कई डूब गए, इसलिए तैयारी करो और कोई ऐसा सदगुरु ढूंढो जो हमारी नौका को इस किनारे से उस किनारे पर ले जाए। जय हो जय हो। अटके जाए काया कठिन गढ़ चढ़ना दूर है पयाना, पयाना यानी हमारी मंजिल जहां हमको जाना है, तो रास्ता बहुत है, मंजिल दूर है और समय का अभाव है। उतने समय में हमको अपनी मंजिल पर पहुंच और उतना ईंधन गाड़ी में डाल दिया है। पेट्रोल पंप से ये एक साधन है, इस साधन में पेट्रोल एक बार भर दिया, टंकी फुल कर दी, कि इतने पेट्रोल में तू अपने घर चले जा। तो ये हमने समझना चाहिए कि इधर उधर गाड़ी मत घुमाओ, इधर उधर घूमने में हंसी मजाक में घर कैसे पहुंचोगे, पेट्रोल खत्म हो रहा है। ये हमारी श्वास जो है प्राण वायु, ये पेट्रोल है, ये गाड़ी में ईंधन भरा हुआ है, ये कहीं मिल सकता है? क्या कहूं कह जात हूं, क्या बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाए तीन लोग का मोल। तीन लोग की संपत्ति दे दो और मृत आदमी की दो सांस के लिए वापस आ जाए, जरा दो बात इससे पूछना है, आ सकती है? कितने कीमती ईर्धन उस परमात्मा ने भरा है जिसको हंसी में, मजाक में, निंदा में, स्तुति में, तेरी मेरी में, राग द्वेष में, इन श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं, जो ईश्वर चिंतन के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए, इस मानव जीवन को प्रशस्त करने के लिए जो ईर्धन मिला है उसको हम हंसी मजाक के विषय में, उस साधन को, समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो पेट्रोल पंप का रास्ते में थोड़ी है, यहां तो हर 2 किलो 4 किलो 5 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप खोले हुए हैं, पर वो पंप तो केवल एक बार भर दिया, अब इसमें तू घर चला जा या इधर भटका कर। ये 84 लाख योनि भटकाव है। तो मानव जीवन से हम चाहे तो नर से नारायण कई लोग बने कि नहीं, तुलसी, सूरदास, मीरा, गुरु गोविंद, नानक, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सहजो, सिंगाजी, भुखारदास बाबा, अनेक संत जो हुए आज तक, ये क्या हुए? नरसिंहनारायण। और कोई हिमालय में नहीं गए तप करने के लिए, कोई गुफा में नहीं बैठे, कोई जटाजूट नहीं बढ़ाया, कोई भस्मी नहीं रमाई, कोई पंचाग्नि नहीं तपी ग्रस्त जीवन में। राम ने हमको यही सिखाया है, रामचरित्र मानस। रामचरित्र क्या है? चरित्र किए करो तो ही तो एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श मनुष्य बनोगे। राम राम मिलाओ, राम बनो, राम ने जो किया है वो करो। माला फिर झुक गया, पर उनको कभी फेरने का प्रयास नहीं, माला हार में घूम रही, मन दसों दिशाओं में भटक रहा है, माला फेरने की आवश्यकता नहीं, मन को फेरो। माला तो एक दे दी परमात्मा ने, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हाँ, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चली जाए, पर ये संसारी नर समझत नहीं, बिरथा श्वास करना। निरंजन माला घट में फिरे, जाप हो रहा है, चल रहा है, प्रणव हमारे भीतर हो रहा है। पर जो ध्यावे फल पावे, जिसको ध्याओगे
जय सुमिरत, जिसका सुमिरन करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। भगवान को सुमिरन करोगे तो भगवान सिद्ध होगा, भूत का करोगे तो भूत हो जाएगा। तुम डाकू बन जाओ, तुम चोर बन जाओ, तुम आतंकवादी बन जाओ, तुम नेता बन जाओ, तुम संत बन जाओ, तुम भगवान बन जाओ, हाँ इसमें तुम स्वतंत्र हो। बुद्ध भगवान पैदा हुआ, ये भगवान पैदा हुआ था, ये सिद्धार्थ आज से चरित्र से अपने शौर्य से एक राजा का राजमार था, पर बुद्ध भगवान हो गया, महावीर भगवान पैदा ही हुआ, हुआ और कुछ था पर महावीर भगवान हो गया। मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो गया, हाँ महात्मा गांधी थोड़ी पैदा हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुआ, नरेंद्र पैदा हुआ था और नरेंद्र से विवेकानंद हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति का परचम देश विदेशों में ले रहा है। जय हो जय हो। तुम भी बन सकते हो, पर हमको अपनी शक्ति का बोध ही नहीं है। जैसे हाथी को उसकी ताकत का ज्ञान नहीं है, हाथी के ऊपर मुट्ठी भर का आदमी बैठकर अंकुश चलाता है, ऐसे ही हमको छोटे छोटे विषय प्रभावित करते हैं और इस संसार में घुमाते फिरते हैं। सो माया बस भयों गुसाई, बजो कीट मरकट की नहीं। माया कठपुतली की तरह नचा रही है, जबकि इसके भीतर ब्रह्म है। काया कठिन गढ़ चढ़ना, दूर है पयाना, शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़ा ही अनमोल शरीर मिला हुआ है, 84 लाख योनियां हैं हमारे यहां, पर सब में सर्वश्रेष्ठ योनि गधे की है, सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि वो जो भोग रहे ना 84 में, कीड़ी कुंजर हाथी घोड़े बनकर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनको अनुभव यार तुम तुम्हारा अनुभव वाला भूल गए हो, उनको नशा चढ़ गया, पर जिनको याद है वो बोल रहे हैं, तुलसीदास जी लाते हैं, जीव राज चराचत ये ही नर समान नहीं कोनो दे। अब जब ऐसा साधन मिल गया, ऐसे साधन को प्राप्त करके भी जो परमा को प्राप्त करने प्रयास नहीं करता, साधन नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा अभागा जिसने ऐसे सुनहरे अवसर को हाथ से खो दिया। मन रंगीर बाबा कहते, काया कठिन गढ़ चढ़ना, दूर है पयाना, घड़ियाला बाजे घणी, दूर देश को जाना, कब मौत की घंटी बज जाए, क्योंकि ऐसी जगह पर खड़े हैं, ये मुर्दों का देश ही है, इस लोक को क्या बोलते हैं, अब मृत्यु लोक में कोई जिंदा अज्ञान है, जिस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, वहां का सुख, वहां की सुविधा, वहां के नाते रिश्ते, वहां की पद प्रतिष्ठाएं क्या अमर होगी, जो लोक ही मरा हुआ है वहां क्या अमर चीज मिलेगी, क्या शाश्वत मिलेगी जो तुमको सुख प्रदान कर दे। हमारे बुखार दास बाबा कहते, ये मुर्दा को गांव एम कौन कौन को लेवाना, ये तो मुर्दों का देश है, यहां तो हम व्यापार करने के लिए आए, सब जैसे विदेश की कंपनियां हमारे देश में आकर व्यापार करती है और अनगिनत लाभ उठाकर अपने देश में रवाना होती है, इसी प्रकार हम सब प्राणी बात यहां मृत्युलोक में व्यापार करने के लिए आए। सिंगाजी बाबा ने तर्क दिया है व्यापार से, हम व्यापारी हरि नाम का, हम सब हरि नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं, और मूल उसने दे दिया,
मूल राशि जब व्यापारी व्यापार करता है उसके पास तो नहीं है, तो मूल लेकर आता है कहीं से भी और अपना व्यापार चलाता है, उसमें कमाई करता है, नफा उठाता है। पर हमारे साथ उल्टा हो गया, मूल के खातिर ब्याज, क्या काय के खातिर, हाँ मैं भूल गया भैया, ब्याज के खातिर मूल भी गया। ब्याज क्या, ये संसार की कलह कल्पना, संसार की वासना, ये राज है। और मूल क्या है, जो हमारा जीवन था, जिसमें हम नर से नारायण बनने का उद्देश्य लेकर आए थे, जिसकी कमाई करने के लिए आए थे, वो मूल को बर्बाद कर, ब्याज के खातिर मूल गमायो और खाई चलो उल्टो टोटो। अब मनुष्य से गधे बन जाओगे तो मजा आएगा, नाली के कीड़े भी बनना पड़ेगा, हाँ पेड़ बनकर हारो वर्ष तक खड़े रहना पड़ेगा। ये 84 लाख योनियों को देखकर सुधरना चाहिए, संभलना चाहिए, मानव जीवन जीने की हम में कला होना चाहिए। हर जगह से ज्ञान ले सकता है, जुआड़ी से भी ज्ञान मिल सकता है, दारू पीने वाले से भी ज्ञान मिलेगा, चोर से भी ज्ञान मिलेगा, बदतमीज से भी ज्ञान मिलेगा, हर व्यक्ति से ज्ञान लेकर और तुम सुधर सकते। दूर है पयाना घड़ियाला बाज घनी पहर का, दूर देश का जाना। ये पूरे भजन को सिंगाजी बाबा पी रहे हैं, जैसे परीक्षित ने कानों के द्वारा उस शब्द रूपी अमृत को पी लिया, ऐसे सिंगाजी बाबा ने उसको पी लिया। ता समय सूरत समानी काना, सिंगा जी के मन में उपजो ज्ञान, कचरा हट गया, हीरा कोहिनूर कचरे में दबा रहा, कचरा साफ हो गया, साफ हो गया तो चमक गया। अब हीरा जब चमका, उसका जब प्रकाश हुआ तो पहचान हो गई, मंद अंधकार, मंद अंधकार, निरारात्रि अंधकार में तो कुछ दिखता ही नहीं, पर मंद अंधकार में रस्सी सर्प दिखती है, गली में रस्सी पड़ी हुई है, और मंद अंधकार में जब हम देखते हैं तो सांप समझकर डर जाते हैं, तो भागने से भ्रम दूर होगा, भागने से सांप खत्म हो जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकाश कि लाओ रे प्रकाश लाओ, देखो तो ये क्या है, सांप है यार। और जब प्रकाश आया और उसको जब देखा, अरे यार रस्सी में मौत दिख रही थी, सर्प था क्या, नहीं, पर अंधकार के कारण रस्सी सर्प दिख रहा है, इसी के कारण अज्ञान के कारण जगदीश जगत दिख रहा है। ये क्या है जगत, एक नाम हमारे यहां भगवान का क्या है, क्या है, ओम जय जगदीश हरे। अब भक्त जनों के संकट जीवन भर दूर नी करे, करे। आरती में ऐसा ही है, भक्त जनों के संकट कितनी देर में दूर हो जाए, है? फिर अपन क्या भाड़ झोंक रहे हैं, अपन लक्कड़ जला रहे हैं क्या, भक्त जनों के संकट क्षण में, पर कोई भगत बन जाए नाटक में, नाटक उसको पसंद नहीं है, उसको तो कलयुग केवल नाम आधारा, असुमर सुमर नर उतरहिं,
जय। इसका मतलब क्या? राम राम कहो, भले चोरी करो, राम राम कहो, भले कुदृष्टि से देखो, राम राम कहो, भले किसी के साथ ठगी करो, राम राम कहो, किसी के साथ छल करो, राम राम कहो। बात तो राम की है, पर तुलसीदास जी के भाव को समझो। हाँ, किस लेवल से बोल रहे हैं वो? कलयुग केवल की परिभाषा क्या है? कोई मिलावट नहीं, केवल केवल एकता का सूचक। पीवर चाहिए उसको मिलावट। भगवान इतना बुद्धू नहीं है जो मिलावट को पसंद करेगा, होशियार आदमी है वो। यहां मिलावट चल जाएगी पर वो तो पारखी है, वो जान जाएगा कलयुग केवल पर्दा नहीं होना। भगत और भगवान के बीच में पर्दा नहीं, केवल केवल नाम आधार एक। एक बार की बात नहीं आई, बहु बने हैं सर। सबको सबसे साधु से समेट कर। योग किसको कहते हैं गणित में? गणित में योग किसको कहते हैं? है? जोड़ दो, बिखरी हुई संख्याएं। पांच इधर पड़ा है, नौ इधर पड़ा है, सात इधर पड़ा है, कितनी संख्या है? तीन है ना? और जोड़ोगे तो, जोड़ लोगे तो कितनी बनेगी? योग। योग करो तो हम योग में क्या करते हैं? हमारी इंद्रियां, हमारी वृत्तियां इस संसार में पड़ी हुई है, फैली हुई है, तो इकट्ठे करो, एक करो। ऐसे ही सब छूट जाए, केवल आत्मा राम हो जाए, केवल भाव। केवल शब्द कई बार आया रामायण के अंदर, तो ऐसे दास जी ने केवल शब्द का कई बार प्रयोग किया। केवल की बड़ी महिमा है, सिंघाजी बाबा की वाणी में भी आया है, थारो दूध छे केवल ब्रह्म। अब हमने क्या अर्थ लगा लिया? खाली एक बार राम राम कह दो निकल जाएंगे। केवल कलयुग केवल नाम, नाम का ही आधार हो और कुछ ना हो, केवल नाम, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई जाति नहीं, समाज नहीं, संप्रदाय नहीं, नाता नहीं, रिश्ता नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, शरीर भी नहीं, केवल नाम आधार। सिंघाजी बाबा ने जब इस भजन को सुना तो रोम रोम से वैराग्य जाग गया। हाँ, कोरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, कोरा ज्ञान बीमारी का घर है। अब कोरे ज्ञानी कभी बनने का प्रयास भी मत करना, कई कोरे ज्ञानी बहुत धरा गए। ज्ञान हो तो वैराग्य के साथ हो, वैराग्य के साथ। और ज्ञान ही ज्ञान हो गया, वैराग्य का कहीं अता पता नहीं है, वो ज्ञान किस काम का? सिंघाजी बाबा ने जब उस ज्ञान को श्रवण किया, वैराग्य का जन्म हो गया। और वैराग्य जब हुआ तो अपना जो खोया हुआ जीवन था, 39 वर्ष की आयु जो संसार में व्यतीत हो गई थी, उस आयु के ऊपर, उन जीवन के ऊपर, उन कर्मों के ऊपर सिंघाजी बाबा पश्चाताप कर रहे हैं। अहला जन्म गयो, जय हो,
गुरु जी मारो अहला जन्म अहला जन्म गयो गुरु मारो अहला जन्म गयो अहला जन्म गयो गुरु जी मारो अहला जन्म Thank you.
खंड गऊ वे सजराई वनखंड माए गऊ वे सजराई वनखंड माही गऊ वे सजराई वनखंड माए गऊ वे सजराई
40 वर्ष की आयु इस भौतिक जगत में बर्बाद हो। मुझे आज पता चला कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। उनचालीस वर्ष से कितनी श्वास बर्बाद हो गई। मेरा उद्देश्य क्या था? गाय भैंस चराने में। कई अपने गोरख धंधे काम कर्म करने में कई जीवों का हनन हुआ। कई बार मनसा पाप लगा, दृष्टि दोष हुआ, अनेक प्रकार के अकर्म इस जीवन में हुए। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा जीवन इतना मूल्यवान है। मेरे जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है। अपने खोए हुए जीवन पर बड़ा पश्चाताप। हर जगह गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक जगत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी गुरु क्या आवश्यकता है। आप कहीं यात्रा जा रहे हो, आपको रास्ता मालूम नहीं है, तो गुरु करना पड़ेगा, किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। संसार के हर विषय में, कार्य क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन
इस मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए, मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमारे जितने भी अवतार हुए आज तक, चाहे वो राम हुआ हो, चाहे कृष्ण हुआ हो, चाहे कोई महापुरुष इस संसार में आया हो, सब गुरु की शरण में गए। राम वशिष्ठ जी की शरण में गए, कृष्ण शांतिपन की शरण में गए, जितने भी महापुरुष आज तक हुए सब गुरु की शरण में, और गुरु के कृपा पात्र होकर उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया, अपनी आत्मा का कल्याण किया। क्योंकि गुरु के बिना इस भाव सागर से मनुष्य पार नहीं हो सकता। गुरु नर रूप में नारायण है, हरि है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म का रूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीत में, तुलसीदास रामायण में कहते हैं, बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु नर रूप में हरि है, गुरु नर रूप में नारायण है। अब हमारी आंखें क्या देख रही है वो एक अलग बात है, वो तुम्हारी चश्मे के ऊपर है। तुम्हारे चश्मे में जैसे कलर का कांच बैठा है वैसा दिखाई दे, काला कांच बिठा लो सब काले दिखने लगेंगे, हरा बिठा लो तो सब हरे दिखने लग जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप किसको किस भाव से देख रहे हो। लेकिन एक ज्ञानी की आंख से, एक ज्ञानी की दृष्टि से गुरु भगवान होता है। जय हो जय। तुलसीदास का अनुभव है, श्री कृष्ण का अनुभव है, और गुरु के बिना हम इस मानव जीवन को सफल नहीं बना सकते, कृतार्थ नहीं कर सकते। गुरु हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में गुरु की बड़ी महिमा है। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उनने भी सदगुरु कीन, तीन लोक के थे धनी पर गुरु आगे आधी। गुरु मर्यादा को, उस स्तंभ को उन्होंने भी कायम किया। प्रात काल जा गई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही। माता पिता और गुरु, ये तीन ही संसार में भगवान का रूप होते हैं। जिनने अपने माता पिता और गुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न किया है, उसके लिए मुक्ति के द्वार 24 घंटे खुले हो। जय हो जय। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने हमको मानव जीवन की कला सिखाई है, उन्होंने भी वशिष्ठ के आश्रम पर लकड़ी के गट्ठे ढोए। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा था राम, सूर्य उदय से अस्त तक जिसका साम्राज्य था। पर एक जगह ऐसी होती है जहां अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, और वहां बराबर की दृष्टि से व्यवहार होता है। गुरु के पास न कोई राजा है और न कोई रंक है, वह सब बराबर है। वहां आत्मदृष्टि से व्यवहार होता है, वहां शरीर की तुलना नहीं है, पद की तुलना नहीं है, वहां तो केवल आत्मदृष्टि से व्यवहार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शांतिपन के आश्रम पर लकड़ी के गट्ठे तोड़े, आश्रम की सेवा की, झाड़ू लगाया,
भिक्षावृति करके लाते थे, आश्रम में भोजन बनता था। गुरु और शिष्य का संबंध व्यापार नहीं है। कोई अपने संप्रदाय बढ़ाने के लिए गुरु एक शिष्य को दीक्षित नहीं करता, और गुरु तो शिष्य को गुरु बनाने का प्रयास करता है, वो शिष्य नहीं बनाता, वो तो उसे अपने समान बनाने का प्रयास करता है। पारस और संत में बहुत अंतर हो जाता, पारस में और संत में बहुत अंतर हो जान। पारस तो सोना करे पर संत कर ले आप समान। संत उसे अपना समान बना ले। मनरंगीर बाबा ने सिंगाजी को क्या बना दिया, राईदास ने मीरा को क्या बना दिया, क्योंकि नीम से नीम ही पैदा होता है। नीम के बीज से क्या होगा, आम से आम, तो गुरु से क्या पैदा होगा, गुरु तत्व से। एक गुरु से दूसरा गुरु होते हुए अनादि काल से नहीं चला आ रहा है, कड़ी से कड़ी। एक गुरु ने दूसरा गुरु पैदा किया, दूसरे गुरु ने तीसरा गुरु पैदा किया, सब गुरु बनाते आ रहे हैं। हाँ, अब हमारी जमीन में दम नहीं हो, हमारी मेहनत में दम नहीं हो, तो बीज क्या करेगा। विज्ञान ने तो शोध किया है, सर्टिफाइड किया है, उसको शुद्ध बनाया बीज को, पर तुम्हारी जमीन में दम नहीं, तुम्हारी मेहनत में दम नहीं है, तो बीज का क्या दोष, उसमें गुरु का क्या दोष। तुम्हारे अभाव नहीं है, तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, तुम मेहनत नहीं करते, भजन नहीं करते, और तुम्हारे भाव में कैसा परिवर्तन होगा। हम बीज बाजार से खरीद कर लाते हैं तो बंजर भूमि में बोते हैं, उसके लिए जमीन को शोधन करते हैं, जमीन को निर्मल बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं फसल पैदा करने के लिए। ऐसे ही भक्ति खेती भी है। उसको निर्मल बनाना पड़ेगा। सिंगाजी बाबा के रोम रोम से वैराग्य फूट गया, सलेंडर हो गया मन, मन घायल हो गया। गुरु महाराज के चरणों में सब कुछ खाली कर दिया, चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु शरणागत हूं, अब मुझे शरण में रख लो, मेरी बहुत आयु इस संसार के गप सप में बर्बाद हो गई। पर वो जमाने के गुरु शिष्य को पकाते थे, टेस्ट करते थे, लोहार को लोहे की चाशनी मालूम है, जब वो अड़म लोहे को भट्टी में रखता है उसको मारना है, मालूम है कि चोट कब मारना है, लोहार कब चोट मारता है, जब लोहा तप तप कर लाल हो जाता है, और लोहा जब लाल हो जाता है तप तप कर तो नरमाइश आ जाती है लोहे में, फिर उसको जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाएगा, उसका जो बनाना चाहोगे लोहा नरम हो जाएगा तब जाएगा, फिर उसका तुम जो बनाना चाहोगे वो बन जाएगा। ऐसे शिष्य भी, एक साधक भी, एक भक्त भी जब भाव की भट्टी में तपता है, अपन सब किसान वर्ग के लोग हैं, अपन फसल कब बेचते हैं, भाव की रास्ता देखते हैं कि नहीं, माल को रोक रखते हैं, भाव आएगा जब बेचेंगे, तो सच्चे महापुरुष भी हाँ
ऐसे ही होते हैं। कोई मंडी में थोड़ी माल ले आ जाओ फूक दो, जो बेभाव फूक दो, वो तो घर से बेचते हैं, उनका माल खराब होने वाला नहीं है। 100 टंच है, मिलावट नहीं है, वो घर से बेचते हैं। और जब भाव आता है तो भाव में कंकर उड़ जाते हैं, सड़ेल सोयाबीन भी बिक जाती है। ऐसे ही भक्ति के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति जब श्रद्धा और भाव का जन्म होता है तब वो महापुरुष चोट मार दे, जय हो जय हो, नरमाइश आ जाती है। सिंगाजी बाबा को नकार रहे हैं, कई प्रकार की तोहीन कर रहे हैं सिंगाजी बाबा की गुरु, कि अगर क्षणिक वैराग होगा, कई प्रकार के वैराग होते हैं, थोड़ी देर के लिए सबको वैराग हो जाए। कोई आदमी मरता है तो बारात पीछे पीछे जाए ना, मसानियो ज्ञान, अरे भैया संसार में कही नहीं है, एक दिन सब नग जानो पड़ोगो, भगवान का भजन कर लो, अच्छा कर्म कर लो, वही साथ में जाएगा, कोई भी साथ नहीं जाएगा, ये भैया ने सब छोड़ गया, कहीं नहीं ले गए, अरे अपन कभी जानू है। और उसको फूका फाका कि वैराग खत्म, खोपरा पाक बनवाओ तो भलाना बनवाओ तो अमका बनवाओ, वैराग रफू, सिर्फ शमशान तक का था। एक लाखियों ज्ञान हुए, लाखियों वैराग, लाख आती थी पहले, महिलाएं लाख की चूड़ियां पहनती थी तो वो गरम करती थी, अब उसको जब आग के पास ले जाए तो नरम हो जाती थी, जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाती थी, पर आग से जैसे ही दूर हटी लाख कट से टूट जाए। वो कब तक नरमाया सही, जब तक आग के परामर्श में थी, तब आग से दूरी हुई। एक कामलू वैराग हुआ, पहले कंबल रखते थे, छतरी का जमाना नहीं था, कंबल जंगल में बारिश में प्रयोग करते थे, बारिश होती थी तो कंबल भीग जाती थी, लद लद हो जाती थी, पर उसको एक फटकारा ऐसा दिया कि कंबल सूख जाती थी। रेशम, रेशम पक्का रेशम, उसको कोई ऋतु नहीं बदल सकती, वो 12 महीने एक जैसे रहती है। तो वैराग्य कई प्रकार का होता है, शब्द का वैराग हो जाए, रूप का वैराग हो जाए, कई प्रकार का वैराग्य होता है, लेकिन शाश्वत वैराग, अखंड वैराग, जिसमें कभी गिरावट ना आए, वैराग कोई बाधक और कोई कोई महापुरुष को होता है। जय हो जय। सिंगाजी बाबा कहे कि पावा मोहर हम बहुत बजाया, गाई मथुआड़ और भोपा घुमाया, जोगी जति हम बहुत ही सेया, पर ऐसा गुण तो कोई ने नहीं कहा। गोली दोनों होती है, एक गोली को हाथ से कितनी ताकत से मारोगे आदमी नहीं मरेगा, और उसी गोली को बंदूक में भरो और फिर घोड़ा दबाओगे तो जान ले लेगी। गोली दोनों है, एक हाथ से फेंक के मारना और एक बंदूक में फंसाकर छोड़ना। तो महापुरुषों की जो वाणी होती है, जिनके जीवन में तप होता है, ओज होता है, वाणी ओजस्वी होती है, तप वाली वाणी जो ब्रह्मानंद में, ब्रह्म रस में डूब कर जो वाणी आती है वो हृदय को छू जाती है। रटी रटाई बातें, किताबी ज्ञान, जिसका असर हाथ से गोली मारना है, मगर नहीं आता। और महापुरुष की जो वाणी होती है, जलेबी दो प्रकार की होती है, बिना चाशने में डूबी हुई एकदम डायरेक्ट निकाल दें,
और वही जलेबी को चाशनी में दिया, उसमें रस भरा जाए और उस जलेबी को अगर परोस जाए तो खाने वाले को आनंद आएगा। तो ब्रह्म रस से जो वाणी डूब कर आती है, तप में जो वाणी भीज कर आती है, वो वाणी एकदम सीधा अटैक करती है। मनरंगीर बाबा के तपोनिष्ठ शब्द उस ब्रह्म रस में डूबे हुए सिंगाजी बाबा के मन को घायल कर दिया, पंगु बना दिया। अब मन जब तक अपंग नहीं होगा, जब तक परेशानी खत्म होने वाली, हाँ अपंग बनाना पड़ेगा मन को। मन ही एक बीमारी है। आज सिंगाजी बाबा का मन घायल हो गया और अपने जीवन पर पश्चाताप कर रहे कि गुरुदेव बड़वा भोपा, निमाड़ी भाषा में ये देव दगड़ उनको बोलते हैं, इसको सिंदूर लगाया, उसको सिंदूर लगाया, वो देव को माना, ये देव को माना, मथवाड़ गाई, भोपे घुमाए, जोगी जति सन्यासी नाना प्रकार के लोग मिले जीवन में, पर आज तक ऐसी वाणी नहीं मिली जिसने मेरे मन को घायल कर दिया। जय हो, जय हो। हाँ, कोई कोई वाणी ऐसी मिलती है जब मन जाकर सलेंडर हो जाता है। अच्छा था। जन्म हमारो अहला गयो पर अभी तक हरि भक्ति का मर्म नहीं पाया। कीने गुरु बतावे पंथु, अखंड सुहाग सिरे मेरे श्री हरि सो कंथु। तब सिंगाजी चाली सन्मुख आए और गुरु मन रंग के दर्शन पाए। कर जोड़ कर विनती करी तब मन रंग स्वामी दृष्टि निहारी। देखा कड़कटार तरक स्थिर कमाना, सेल सिरोई मुंद्रिका काना, ऐसी भात दर्शन को आए कर जोड़ कर शीश नवाए। हो या अधीनता पूछे यही, राखो स्वामी सरणे सही। सुनी स्वामी प्रति उत्तर दियो, उपदेश नहीं लागे काहू को कयो। कई सुनी भक्ति नहीं होती जब तक मन राजी ना हो। देखा की बात नहीं है, कई पुराण कई साथ पढ़ लेने से क्या हो रहा है। किताबी ज्ञान काम आने वाला नहीं। देखा देखी की है नहीं, लिखा पढ़ी की बात। दुल्हन मिल जाए तो फीकी हो जाए, तो अनुभव की है। यो महंत मरे नहीं भाई, कठिन करनी राम से। भैया इस मन के ऊपर जय प्राप्त करना बड़ी कठिन बात है। मन को मार लेना, मन को समझा लेना बड़ी दुर्लभ बात है, और राम से संबंध जोड़ना बहुत कठिन काम है। राम से सगाई यानी राम से नाता जोड़ लेना, रिश्ता बना लेना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। अंकुर पूरब लो जो जागे, ऐसी होत वार ना लगे। इतनी सुनी ठिकाने आए, सकल विसार हरि चरण चितलाए। तर्क स्थिर दिया सब नाखी, अब करूं गुरु राम की साजा। शब्द सुनता ऐसी धरी, छोड़ दिया सकल विकार। वाचा मनसा कर्म ना, डाल दिया हथियार। लगा बाण निर्बाण का, निकस गया द्वादश पार। मन मुवासी मारिया, छिन एक लागिनी। शब्द सुनता ऐसी धरी, और जो विकार थे जो अवगुण थे वो तो सिंगाजी बाबा ने पहले ही बोल दिए। कभी भी भगवान के पास, संतों के पास, गुरु के पास जाए तो अपने अवगुणों को छिपाना मत करिए। खाली थैला खाली करोगे जब तो लाओगे वहां से, अब पहले से ही भरा भरा ले गए हैं, खाली करना नहीं चाहते और वहां से कुछ लाना चाहते हो, जगह बनाओ ना। जब तक पात्र नहीं होगा तब तक रखोगे कहां। ले वाले को खाली, बड़े लोग वर्क
वो लिखते हैं, और कोई गड़बड़ लिखा जाए तो क्या करते हैं, रबड़ फेंक देते हैं। तो पहले वाले पे लिखे हुए कागज पे लेखनी नहीं चलेगी, उसके लिए कागज कोरा चाहिए। ऐसे ही हमारे दिमाग में जो भरा हुआ है पहला कचरा, वो कचरे को खाली करो। सिंगाजी बाबा ने अपने जो अवगुण थे, अपने जो दुर्गुण थे, वो पहले ही सुना दिए। अहला जन्म गयो, दृष्टि से दोष हुआ, गाय भैंस चराने में, कई व्यवहार करने में, कई पाप, कई हत्याएं, जो जो भी अवगुण इस शरीर में थे, वो आपने सब दर्शा दिए और सब गुरु को यहां खाली कर दिया। और गुरु ने जो दिया था उसको रख लिया। रोज घोड़े पर बैठते थे, पर जब वापस आए वहां से, गुरु ने उस दिन तो नकार दिया, पर लग गई, आर पार हो गई। इस पंडाल में कोई दो थप्पड़ मार दे और गाली गलौज कर दे इतने आदमी के बीच में, तो मरते दम तक भूलेगा नहीं, चाकू का घाव ठीक हो जाएगा। पर जो वो अपमान जनित शब्द बोले हैं, जो अपमान हुआ है, वो अपमान को कभी भूल सकते हैं नहीं? लग गई, आर पार हो गई। सिंगाजी बाबा को भी गुरु महाराज के वाण लग गए, मन का भेदन कर दिया, मन अपंग हो गया, घोड़ी की लगाम पकड़ी, धामगढ़ पहुंचे। महाराज तुम्हारी घोड़ी समा दो। राजा लक्ष्मी सिंह चौंक गए कि भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन व्यक्ति मिल गया जिसने इसको बहका दिया। महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करूंगा। क्या हो गया, बात क्या हुई, किसने बहका दिया, क्या तनख्वाह कम पड़ रही है, रोजी तुम्हारी देवा बढ़ाई, तुम्हारी रोजी बढ़ा दें, तनख्वाह बढ़ा दें, और नहीं हो तो मंत्री परिषद में तुमको मंत्री का पद दे दें, नहीं तो आधी जागीरी का मालिक बना दें, एक परगना का सरदार बना दें तुमको। सिंगाजी बाबा का कि महाराज हमको माया की भूख नहीं है, हमको वो ज्ञान हो गया है, हमने अपने गुरु महाराज से सत्य और असत्य का बोध कर लिया है, संत नहीं माया के भूखे, हम तो सिपाही बनकर चुके। और जब तक करी तुम्हारी चाकरी, जब तक तुमको झुके, संत नहीं माया के भूखे, संत कभी माया के भूखे नहीं होते, किसी के धन के, किसी के सामान के और किसी के मोहताज नहीं होते, वो महाराजा होते हैं, उनके बल पर ही संसार चल रहा है। ब्रह्मा सृष्टि किसके बल पर रचता है, तब शेष जी धरती को धारण किसके ऊपर रखते हैं, तप पर। विष्णु पालन कैसे करते हैं, तप से, और शिव सहार तप से। तो तुम सब तप कर रहे हो, इस सृष्टि का जो कर्म क्रम चल रहा है किसके बल पर चल रहा है, तप पर। और वो तप कर रहे हैं हमारे महापुरुष, ऐसे ऐसे अदृश्य महात्मा बैठे हैं जिनको हमारी आंखें नहीं देखती, और वो तप कर रहे हैं, और उनके तप के बल से हमको यहां सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जय हो जय। सिंगाजी बाबा कहे कि माया का प्रलोभन मर दो, अब तो मैं चाकरी सदगुरु की करूंगा, मारा गुरु घर चाकर रहूंगा, और मारा मति मैल दूंगा, मेरे मन के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है उसको साफ करूंगा। हरसूद आ गए पर चैन नहीं है, जिसका फोड़ा पक जाए ना, मवाद भर जाए उसमें, रात भर नींद नहीं आती, जिसको घाव हो जाए उसको नींद नहीं आती, भोगी को भोग के लिए नींद नहीं आती, योगी को योग में नींद नहीं आती, रोगी को रोग में नींद नहीं आती,
तीन लोग जपते हैं, या जागे योगी, या जागे भोगी, या जागे रोगी, या जागे चोर, बाकी तो सब। सिंगाजी बाबा को भी घाव हो गया उस शब्द का, चैन नहीं पड़ती। घर आते हैं तो पूरा कुटुंब, धन धान्य समाज संसार के जो रस थे सब नीरस हो गया, स्वादहीन हो गया। न रात्रि में नींद आती है, कोई चैन नहीं। मारा बाण कसी मारा सतगुरु, मारा बाण कसी नहीं निंदिया पर भी पतक से सतगुरु मारा के बारक से पर भी पतक से मारा सतगुरु मारा बारक से मारा सतगुरु मारा ते बाणक सी मारा तन पर भी बेदाग सी मारा सतगुरु मारा बाणक सी अरे मारा बाणक सी मारा सतगुरु मारा बाणक सी नजर नहीं आवे कहाँ लगाऊ दवा गसी मारा सतगुरु मारा ते बाणक सी कहाँ लगाऊ दवा गसी मारा सतगुरु मारा बाणक सी मारा सतगुरु मारा ते बाणक सी कान गाओ दवा कसे मारा सतगुरु मारा बाणक सी मारा ते बाणक सी मारा सतगुरु मारा ते बाणक सी मारा ते बाणक सी मारा सतगुरु
नहीं मारी शब्द की भाल धसी बोलत गुरु मारा ते बालक सी शब्द की भाल धसी मारा सतगुरु ते बालक सी मारा ते बालक सी मारा सतगुरु मारा ते बालक सी मारा ते बालक सी मारा सतगुरु मारा ते बालक सी बाण है कहां दवाई करूं किस डॉक्टर के पास जाऊं किस वैद्य के पास जाऊं अगर शरीर का घाव होता शरीर की कोई बीमारी रोग होता तो डॉक्टर वैद्य बड़े साइंटेक्स नर्सिंग होम है कहीं भी जाकर इलाज करवा देता पर मन का घाव नजर नहीं आवे प्रहार तो मन के ऊपर किया है घायल मन है और मन का घाव दिखता नहीं कौन सी दवा लगाऊं चैन नहीं इतनी तड़प है इतनी बेचैनी है कि कब जाकर सदगुरु से दोबारा मिलूं कब मुझे वो मार्गदर्शन मिले वो शिक्षा दीक्षा कब मिले कामी नार प्यार जिमी लोभी को प्रिय दांड जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोय राम एक कामी को जैसे काम से प्रीति होती है लोभी को जैसे धन से प्रीति होती है कुछ नहीं दिखता उनको नीति अनीति मान मर्यादा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता इसी प्रकार एक साधक की जब अपने इष्ट से अपने सदगुरु से अपने परमात्मा से जब प्रीति होती है प्रेम होता है
जैसे तैसे रात गुजारी, दूसरे दिन सिंगाजी बाबा प्रातः काल उसी क्षण से अन्न जल का परित्याग कर दिया। कई में स्वाद नहीं है, सब नीरस हो गया, बेस्वाद हो गया। जैसे मीरा को जब वैराग्य हुआ तो संसार नमक की तरह लगने लगा। परमात्मा से इतनी प्रीति हुई कि राजघराने का सुख काटे जैसे चुभने लगा। अब गोद लग मख प्राण से प्यारो, जगत लग सब खरो, संसार बेहद गुरु करने की मन धारी और सत्य समय सुरती धरी अब ध्यानो और मन रंगो। राम नर जा बस मन रंगा तो रमे तीनों के संगा, सिंगा जी जा रहे और रंग के। अब दया कर मैं सदी दे उपदेश अपनो कर ले, हूं अनाथ मोए प्रेम सुख दीजो और तुम बिना नहीं जाओ दुजान। तब मन रंग बोले निर्मल वाणी, प्रेम भक्ति न रे जानी, जो तुमको हो उपदेश की आशा तो तजो माया मन फिरो उदासा। रात दिवस करो राम की सेवा, अवगुण तजो और पूजो आत्म देवा देवा। सकल आत्मा देखो आप समाना, तब साईं सेवा साची कर माना। तुम हो चाकरी के पैसा, तुमको कैसा लगे उपदेशा। तू तो माया का चाकर है, माया का गुलाम है। इतनी बात जब मन में होगी, इतना मन खाली होगा, तब गुरु भक्ति उसमें प्रवेश करती है। पर सिंगाजी बाबा गुरु महाराज के पास अनाथ होकर गए थे। हूं अनाथ मोए प्रेम सुख दीजो, तुम बिना नहीं जानू अब तुम्हारे अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं। सबसे नाता तोड़ लिया, तजू परिवार छोड़ू चाकरी, अब तो तुम्हारो कहूं सबसे संबंध तोड़कर केवल निभाव से आत्मा राम होकर पूरा अंतःकरण का थैला खाली करके अनाथ होकर गए। फिर भी मनरंगीर बाबा सिंगाजी बाबा को नकार टेस्ट कर रहे हैं। जिस सोनी की दुकान से सुमने सोना खरीद कर लाए आभूषण, पर 6 महीने के बाद वापस उसकी दुकान पर बेचने के लिए जाओगे तो जाचेगा, तेजाब लगाएगा, मिलावट तो नहीं है। ऐसे ही भगवान गुरु भगत को जांचते हैं। ऐसा ऐसा जाचा है कि खुद अपने पुत्रों को आरे से कटवाया है। ऐसा ऐसा जाचा कि हरिचंद्र को पानी भरना पड़ा। सुदामा को 1-1 महीने तक भोजन नसीब नहीं हुआ। सिंगाजी बाबा को भी तपा रहे। सिंगाजी बाबा प्रार्थना कर रहे कि गुरुदेव कृपा करो, आपकी कृपा दृष्टि कभी मेरे ऊपर बरस गई, मैं आपकी वाणी के ऊपर, आपके उपदेश के ऊपर, आपके संकेत के ऊपर 100% खरा उतरूंगा, आपकी वाणी का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। गुरु महाराज, तोता मैना भी पक्षी भी अगर उसको पढ़ाया जाए तो वो भी राम नाम का जाप करने लग जाते हैं। तुम्हारे यहां के जानवर भी वेद की भाषा बोलते हैं,
राम नगर जा बसे मन रंगा राम रमे तीनों के संगा। बोदा कुत्ता मनगिर बाबा के वो भी वेदों श्लोक बोलते थे। काशी के विद्वान महात्मा मनरंगीर बाबा से शास्त्रार्थ करने के लिए आए। बोधे ने गुरुद्वार से कोई सुनाया था। आज मनरंगीर स्थान पर बोधे और किसी उन्होंने भी मुक्षियों ने भी प्रमुख कृपा कर दो मेरे आपके जन्म को सुधार प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से। अब को जमा जय हो सुधा गुरु जी मारो अब को जम सुधा को जन्म सुधारो अब को जन्म सुधारो गुरु जी मारो अब को जन्म सुधारो अब को जन्म सुधारो गुरु जी मारो अब को जन्म सुधारो नहीं बोलाया सतवार गुरु जी मारो अब को जन्म सुधारो गुरु बिन साय कर रे गुण जीव की वाह भाई वाह तीरथ करो रे हजारो गुरु बिन साय कर रे गुण जीव की तीरथ करो रे हजारो गुरु बिन साय कर रे गुण जीव की तीरथ कर रे हजारो तीरथ कर रे हजारो तीरथ कर रे हजारो पति बिन शोभा क्या तेरे आखे पति बिन शोभा क्या तेरे आखे पति बिन शोभा क्या तेरे पति बिन शोभा तेरे आखे आई मेरा रोशन करो दुनिया जन्म सुधारो Oh, God.
मारा परम पकारे आप गुरु 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 चित मत धारो गुरु तो राम मिलन की राह बताओ वाह भाई वाह मैं तो संसाया में राम मिलन की राह बताओ मैं तो संसाया में राम मिलन की राह बताओ बेटो संसाया में राम मिलन के राह बताओ बेटो संसाया में राम बेटो संसाया में राम बेटो संसाया में कहे जन सिंह सुनो रे गुरुदेवा कहे जन सिंह सुनो गुरुदेवा जब को नहीं जो बीत गया आने वाला नहीं वर्तमान आपको जना हे गुरुदेव मेरे इस जीवन को सवार दो मेरा मानो जीवन सफल हो जाए दया करो इस संसार के अंदर शरीर की सहायता करने वाले बहुत लोग हैं डॉक्टर है वैद्य है सारे सुख के संसाधन हैं लेकिन जीव की सहायता करने वाला इस संसार में कोई नहीं गुरु बिन साय करे कौन जीव की चाहे हजारों तीर्थों में भटक लो अगर जीव का कल्याण चाहते हो मुक्त होना चाहते हो परमात्मा हो जाना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा गुरु महाराज मैंने सुना है कि गुरु के बिना ज्ञान ध्यान नियम आचार सब व्यर्थ है और ये हमारी बात नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उसी लाइन में खड़ा कर दिया गुरु बिन भव निधि तरही न कोई शिव बिरंची शंकर कोई भी हो सब एक लाइन में उनके समान भी क्यों ना हो जाए पर बिना सदगुरु के कोई इस भव सागर से पार हां वहां ज्ञानी ध्यानी कुछ नहीं लगते प्रमाण दिया है सिंगाजी बाबा ने बैकुंठ से पच्चा फेर दिया सुखदेव नारद जो रात दिन नारायण नारायण चिल्लाते थे
सुखदेव गर्भ योगेश्वर, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना खूब करी हरि सेव, बैकुंठ से पच्चा फेर दिया जनक विदेही जन बड़ा जहां भेज दिया सुखदेव, जप तप नीको देखो फिर दियो अलख को। गर्भ योगी 12 वर्ष तक अखंड गर्भ में तप किया, जिसने भोलेनाथ से अमर कथा सुनी ऐसे योगी सुखदेव को भी वैकुंठ से वापस घुमा दिया। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी वो जब बैठते थे तो उठकर जाते थे तो भगवान वहां की जगह साफ करते थे। प्रभु ऐसा क्यों करते हो, मैं जब उठकर जाता हूं तो वहां जगह पे पानी वानी डलवाते हो साफ करते हो। कि नारद जिसका गुरु नहीं है जीवन में वो जहां बैठता है वहां जगह, वो जगह भी अपवित्र हो जाती है। सिंगाजी बाबा ने कहा है नुगरा नर तो कोई मत मिलो, पापी बिलो हजार, और एक नुगरा का शीश पर 1,00,000 पापी को भार। उसकी पूजा पाठ कुछ भी नहीं लगती, उसके नियम आचार ज्ञान ध्यान सब व्यर्थ है। सुखदेव जी ने कहा प्रभु मैं जाऊं किसके पास, वो तो नाला लपेट के चल दिए थे, संसार मिथ्या है। तो एक योगी को एक राजा के पास भेज रहे हैं। महाराज जनक के पास सुखदेव को भेजा। 7 दिन हो गए गेट के ऊपर खड़े हैं। ज्ञानी तपस्वी अगर ये भाव आ गया तो अहंकार चढ़ बैठा, तप उसके माथे पर बैठ गया। ज्ञान का अहम आ गया तो ज्ञान उसके सिर पर चढ़ गया। कई धराशायी हो गए, ज्ञान ध्यान सब फोकट। जनक जी के दरबार में जब वो पहुंचे, महाराज सुखदेव को भेजा कि तुम तो योगी हो पर एक राजा है जो सब राज काज चलाते हुए जैसे कमल कीचड़ में रहता है इस प्रकार वो संसार में रह रहा है। जैसे कमल को पानी की बूंद स्पर्श नहीं कर सकती कीचड़ में रहते हुए भी, इसी प्रकार एक योगी इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है। सुखदेव जी को राजघराने के सत्तस व्यंजन परोसे गए और 40 किलो की एक पत्थर की शिला कच्चे सूत में बंधी हुई लटक रही थी, उसके नीचे सुखदेव को बैठाया और भोजन परोसा गया। सुखदेव ने जब उस शिला के ऊपर नजर मारी, इतनी बड़ी शिला और वो भी कच्चे सूत में लटक रही है, ये कद समय टूट कर गिर जाए और कुछ मूर बना दे। पर भगवान ने भेजा सुखदेव जी को, भोजन हुआ। भोजन करने के बाद महाराज जनक ने सुखदेव से पूछा कि प्रभु भोजन में आनंद आया, कैसा लगा भोजन? सुखदेव जी ने कहा कि महाराज भोजन वोजन में जरा सी भी रुचि नहीं थी, मेरा ध्यान तो इस शिला के ऊपर था,
अगर ये शिला टपक जाए तो कुछ मूर बना दे का सुखदेव, बस यही ज्ञान है। तुमने भोजन भी किया, भोजन से शरीर को एनर्जी भी मिली और तुम भोजन में लिप्त नहीं हुए। भोजन करते हुए भी भोजन में लिप्त नहीं हुए और तुम्हारा ध्यान, ऐसी साधक संसार का हर कर्म करते हुए अपने ध्यान को अपने केंद्र में रखते हुए उस परमपिता परमात्मा में अपने ध्यान को रखें। जय हो। तू कहता है कि संसार मिथ्या है। राजा जनक राजा होते हुए भी विदेह की उपाधि मिली उनको, जिनको अपने देह का भी भान नहीं था, भारत भूमि पर ऐसे ऐसे महात्मा हो गए जो समस्त राजकाज करते हुए गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए और वो निर्वाण पद को प्राप्त किया जो बड़े बड़े हिमालय के योगियों को जो गति प्राप्त नहीं होती वो गृहस्थ जीवन में प्राप्त किया। सिंगाजी बाबा ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए और मुझे राम से मिलने की गति मार्गदर्शन कीजिए। ऐसी वाणी अब सिंगाजी बोले, पूरा खाली देख लिया तो मनरंग स्वामी अंतर की खोले। पात्र जब देखा कि हाँ पात्र बिल्कुल खाली है, पूरी कृपा भर गई। और पूरी कृपा जब हुई उपदेश हुआ, शब्द सुनता साखी चढ़ाई और गुरु अपने की करी बढ़ाई। सब सुनते ही अंतर्मुखी हो गए और अंतर्मुखी जाकर अपने आत्मानंद में जब प्रवेश किया और वहां की जब अनुभूति की तो सिंगाजी बाबा झूमने लगे, नाचने लगे। अभी अनाथ होकर आए थे पर गुरु से जब वो बोध हुआ, जब वास्तविकता से परिचय हुआ तो बहुत ही निहाल कियो। जय हो। गुरु जी तुम ना बहुत ही निहाल कियो, बहुत ही निहाल कियो, गुरु जी तुम ना बहुत ही निहाल कियो, बहुत ही निहाल कियो, गुरु जी तुम ना बहुत ही बहुत बहुत ही लाल किया।
बचायलियो गुरु तुमना बहुत ध्यान के यम से बचायलियो गुरु जी तुमना बहुत ध्यान के बहुत ध्यान के गुरु जी तुमना बहुत ध्यान के बहुत ध्यान के गुरु जी तुमना बहुत ध्यान के हे गुरुदेव, आज आपने निहाल कर दिया, आज मेरे मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैं तो इस संसार सागर की धार में बहते हुए जा रहा था, परंतु आपने हाथ पकड़कर मुझे सहारा दे दिया और बचा लिया। आज मैं धन्य हो गया, आज मुझे अपनी वास्तविकता से
परिचय हो गया। सिंगाजी बाबा जब अपने स्वरूप में पहुंचे तो अपने आप को सबसे बड़ा धनी व्यक्ति मानने लगे कि मैं तो इस संसार के धन को ही धन मानता था, पर आज मुझे वास्तविक और परम धन की प्राप्ति हुई जिससे पाकर मैं निहाल हो गया। सिंगाजी बाबा ने इस प्रकार गुरु की शरण को प्राप्त की। आज की वाणी को यहीं विराम। कल सिंगाजी बाबा के बात के चमत्कारों की कथा और कल उनको समाधि कथा के माध्यम से समाधि दी जाएगी। कल उनके समाधि दिवस की कथा होगी और कल जिन जिन के यहां भी दूध घी सिंगाजी बाबा ने दिया हो, क्योंकि दूध घी का विभाग सिंगाजी बाबा के पास है, अपन वहां उनको चढ़ाने जाते हैं। आज हमारे ग्राम में, हमारे क्षेत्र में सिंगाजी बाबा 5 दिन के लिए ज्योति स्वरूप में पधारे हुए हैं, तो कल उनकी समाधि का उत्सव आनंद मनाया जाएगा। आप सभी लोग जिन जिन घर भी सिंगाजी महाराज ने दूध घी दिया है वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा चुन पुन लाएं, अपन कल सिंगाजी बाबा के प्रसाद में वितरण करेंगे और आनंद उत्सव मनाएंगे। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखो प्रणाम सहगिरि से अवतार तुम्हारा सहगिरि से अवतार तुम्हारा जग में से कलि नाम दलाया जग में से कलि नाम दलाया भूमिया तुम गोला पर भूमि भरिया तुम गोला सतगुरु ब्रह्मलखैया तुमको लाखो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्मलखैया तुमको लाखो प्रणाम राज परीक्षित साप जो पाया राज परीक्षित साप जो पाया गुरु मन रंगिर वही कहलाया गुरु मन रंगिर वही बदल मिसा पहरैया तुम गोला पर मिसा पहरैया तुम गोला मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुम गोला पर मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुम गोला पर पते ब्रह्म के कारण नारा पते ब्रह्म के कारण बाल किए थे जिन बहु संतन को बाल किए थे जिन बहु संतन को संत के तेरा सुनैया तुम को लाखो प्रणाम संत के तेरा सुनैया तुम को लाखो प्रणाम सतगुरु ब्रह्म लखैया तुम को लाखो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुम को लाखो प्रणाम बिना बैल की गाड़ी लाया बिना बैल की गाड़ी लाया राजा रानी को ब्रह्म लखाओ राजा रानी को ब्रह्म लखाया सुनैया तुम गोला प्रणाम सुनैया तुम गोला प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुम गोला
गुरु मन सच्चिदानंद भगवान की जय। समर्थ सिंघा जी महाराज की जय। 2 मिनट का सब लोग मौन करेंगे। 2 मिनट के लिए आत्मचिंतन, पूरे कैवल्य भाव से आत्मा राम होकर निर्विचार, कोई विचार न हो, शून्य। समस्त चिंताओं का परित्याग करके अजबाजब श्वास श्वास में सुमिरन करके अंतर ही खो जाऊं। अपने आप को शरीर के तल से ऊपर ले जाओ। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा घर है, मैं तो शरीर में रहने वाला चैतन्य आत्मा हूं। मैं चिन्मय ज्योति स्वरूप, मैं निरंजन हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं अविनाशी हूं। शरीर तो एक माध्यम है, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा घर है। मैं तो प्राणों का भी प्राण हूं, मैं बाहर भी हूं, मैं भीतर भी हूं, मैं दाएं भी हूं, मैं बाएं भी हूं, मैं ऊपर भी हूं, मैं नीचे भी हूं। मेरा ही साम्राज्य समस्त समष्टि में। श्वास में जाप हो, खाली श्वास न हो।
हेलो सभी अपनी अपनी आगे आए आए होते बाकी सब वही खड़े रहे। हमारे बीच मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति सदस्य श्री गोपी कृष्ण जी व्यास कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि वो परम पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेश जी यादव भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नरेंद्र जी गुर्जर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सेवक राम यादव सांसद प्रतिनिधि आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मुकेश जी सोलंकी पीपल कोटा भंडारिया आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर राजेश मालवी भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेश जी आते हैं। कथा श्रवण करने के पश्चात भोजन की व्यवस्था भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है समिति के द्वारा। आप सभी से आग्रह है कि सब प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। भोजन पहले महिलाएं करेंगी, उसके पश्चात पुरुष वर्ग भोजन करेगा, इसलिए इस व्यवस्था को बनाना अपना कार्य है। श्री जागेश्वर बाबा आए और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बलराम आए और गुरुदेव करें। गणेश जी सरपंच ग्राम पंचायत पांगरी आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बलराम जी नैन भंडारिया आशीर्वाद प्राप्त मसूरिया। आरती होगी, उसके पश्चात भंडारे की व्यवस्था की गई है, पहले महिलाएं उसके बाद पुरुष। श्री जयनारायण जी यादव परम पूज्य गोपाल कृष्ण जी पंडा का बाबा पंडाल में महाराज की भंडारा तैयार है। ऐसी जय घोष करो सिंगा जी महाराज सदा I'm
गोपाल कृष्ण भगवान की समर्थ ब्रह्मवीर महाराज की जय मनरंगीर स्वामी की जय शिवाजी महाराज की पंचरी रानी परमहंस बाबा की गुरु गुलाब दास बाबा की अनंत कोटि संतों की जय हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् पारिब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः मरमोरम ध्यान मोरम गुरुर मूर्ति पूरम गुरु चरणम मोक्ष गुरु Yeah.
सतगुरु महाराज की जय। सुधा जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का सनातन धर्म की सनातन धर्म की गौ माता की गंगा मैया की नर्मदा मैया की किसान देवता की राम देवता की संत समाज की पितृ मंडली की श्रोता वक्ता की आज के आनंद की माते नारायण दे